बस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जो आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं पहले तो अपने चैनल पे, आज हम जो रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहे हैं उसका नाम है काली मसूर की दाल। ये काली मसूर की दाल है, इसको खड़ी मसूर की भी दाल कहते हैं, मलका मसूर भी कहते हैं। ठीक है, ये हमने तकरीबन 2 घंटे हो गए इसको भिगो के रखा हुआ है, और अब ये देखिए थोड़ा सा ना फूल गई है, तो अब ऐसे ही हमें चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इसमें हम यूज़ करेंगे ये प्याज स्लाइसेस में या चॉप कर लें आप। ये लहसुन है, ये लहसुन के 2 बड़े वाले 3 जब छोटे हैं तो 6-7 आप ले लीजिएगा। ये अदरक भी चॉप्ड है, सही है। और इसके अलावा टमाटर 1 है बड़ा साइज़ का, उसको ले लें आप, चॉप कर लें। ये हरा धनिया, सॉरी पुदीना है, और हरी मिर्चें छोटी वाली जो बारीक वाली हरी मिर्च होती है ना वो, उसको हमने रख लिया है। और नमक है 1 टेबल स्पून, हल्दी है 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर इसमें हम यूज़ करते हैं तकरीबन ये 2 टेबल स्पून है, और ये लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून है। बघार के लिए जो है वो हम लहसुन चॉप्ड और ये साबित गोल वाली लाल मिर्च होती है ना वो यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो लहसुन आप देख रहे होंगे ना कि लहसुन, ये सब चीज़ें ना हम साबित ही इस तरह स्लाइसिस में यूज़ करेंगे। इसको हमने इस तरीके से करके ये बस कुचल लिया है, और इसको फिर हम धो के और उसमें दाल में डाल देंगे, तो ये दाल के जब बॉयल होगी इसके साथ ही जो है वो मैश हो जाएगा। ठीक है, हमने पतीली में जो है वो 4 गिलास पानी ले लिया, और इसमें हम जो है वो दाल का पानी जो है निकाल लिया है। अब ये दाल जो है वो हम इसमें डाल देंगे। और फिर हम इसको इतना पकाएंगे कि इसमें ये थोड़ा सा ना इसमें बबल्स आने शुरू हो जाए, ये बॉयल होना शुरू हो जाए, तो उसका जो झाग होगा ना वो निकाल के फिर बाकी की चीज़ें हम इसमें डालेंगे। देखें, ये दाल जो है वो हमारी इस स्टेज पे है कि इसमें झाग आना शुरू हो गए हैं और बबल्स भी आने शुरू हो गए हैं। बस ये झाग हम डिस्कार्ड करके इसमें फिर प्याज वगैरह डालेंगे। हमने जो है वो इसमें से झाग हटा दिया है, और ये जो है हमारी दाल बॉइलिंग स्टेज पे आ गई है। अब हम इसमें ये जो दाल हमने ली है ना, ये 1 पाव के करीब है, 1 गिलास है। ठीक, अब हम डालेंगे इसमें 1 मीडियम साइज प्याज, इस तरह स्लाइसेस में डाल दें या चॉप करके डाल दें, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये प्याज चली गई। लहसुन 3 बड़े ले लिए थे, छोटे हैं तो आप 6-7 ले लीजिएगा। इसको भी ये कुचल लिया है छुरी से, इसको भी ऐसे डाल दें, और ये अदरक भी कुचला हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें शामिल कर दी आपने, प्याज लहसुन अदरक। अब इसमें हम जो है वो सूखे मसाले शामिल करेंगे। सूखे मसालों में जो है ये हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया 2 टेबल स्पून, और ये 1 बड़ा टेबल स्पून जो है लाल मिर्च पाउडर, और ये नमक भी अभी चला जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है वो हम पकने देंगे। अब ये तकरीबन 15 मिनट के बाद जो हम इसको ढककर खोल के देखेंगे, हमारी दाल का जो पानी है वो तो खो चुका है, काफ़ी मतलब खुश हो चुका है, और दाल भी जो है वो अच्छे से गल गई है। तो अब इस स्टेज पे जो है ना वो अपने टमाटर हमने चॉप करके रखे हैं वो उसमें शामिल कर देंगे, फूल डाल देंगे। ठीक है, और अब इसको भी इसके साथ पकने देंगे, फिर थोड़ी देर के बाद चेक करके इसको हम जो है वो घोट लेंगे। देखिए आप, दाल जो है वो अब घोटने की स्टेज पे आ गई है। ये देखिए पानी भी खुश्क हो चुका है, और प्याज लहसुन अदरक जो भी है वो अभी हम जब इसको घोटेंगे तो वो उसके साथ सारी चीज़ें, प्याज लहसुन अदरक टमाटर जो हमने डाले थे वो इसी के साथ जो है वो जो चॉप करके डाले थे ना वो सब मैश हो जाएंगे। ठीक है, अब दाल कितनी घोटनी है, कितनी साबित रखनी है, कितनी आपको मैश अच्छी लगती है घुटी हुई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप उसको साबित रखना चाहते हैं, जितना घोटना चाहते हैं, उसके लिहाज से थे आप इसको रोक देंगे घोटना, और फिर जो पानी है वो उसमें ऐड कर लिया जाएगा। लेकिन बात वो ये है कि पहले भी हमने बताया था कि प्रेफर करें कि इसमें बॉयल पानी डालें। हमने जो है वो 3 कप पानी जो है वो बॉयल ग्लास
तीन गिलास पानी जो है वो बॉयल कर लिया है अलग से। तो जब हमें लगेगा कि हमें ज़्यादा रोटी भी पसंद है, थोड़ा सा इसको हम और मैश करेंगे, घोट लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हमने पानी बॉयल करके रखा है वो हम इसमें डाल देंगे। दाल जो है वो बहुत अच्छे से घुट गई है। अब हम इसमें अपना जो पुदीना हमने पत्तियाँ रखी हैं पानी में भिगो के, तकरीबन ये 6-7 घंटे होंगे उसकी पत्तियाँ तोड़ ली हैं, पुदीने के पत्ते, ठीक है। और 3-4 छोटी वाली बारीक वाली हरी मिर्ची इसके साथ ही शामिल है, तो ये हमने शामिल कर दिए। अब इसको भी हम इसके साथ थोड़ा सा जो है वो घोट लेंगे। हमने पुदीने के पत्ते और छोटी वाली बारीक हरी मिर्च डाल के भी इसको अच्छे से एक दफा जो है वो मैश कर लिया है, ठीक है। पुदीने से इसका फ्लेवर जो है ना, अगर आप नहीं ऐड करते तो आप ऐड करके देखिएगा, बहुत अच्छा आता है। काली मसूर की दाल का फ्लेवर जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम इसमें जो है वो बॉइल्ड हमने पानी करके रखा हुआ है, 3-4 गिलास है ये, आप देख लें, 3 गिलास लेने या 4 लेने, कितनी पत्ती आपको फिर रखनी है। ये देख लें, बॉइल्ड पानी डालेंगे तो वही के इससे अच्छा कलर भी आएगा इसका। और ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा, ये हम इसको पानी डाला है तो अब हम इसको इतना पकाएंगे कि हमें इसको ये देखना होगा कि कितना हमें इसको गाढ़ा करना है और कितना पतला रखना है दाल को, ठीक है। हमारी दाल पक चुकी है पानी के साथ, बस अब हमें इतनी ही गाढ़ी चाहिए क्योंकि दाल चावल के साथ हम सर्व करेंगे, चावल बॉइल्ड राइस के साथ, तो ये देखें, ठीक है। बस ये आप देख लीजिएगा, अगर आप और गाढ़ा करना चाहें और तो आप और कर सकते हैं, या पानी आप थोड़ा और रखना चाहें तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम इसको चूल्हे से उतार देंगे और इस पर लहसुन और साबित वाली गोल लाल मिर्च का बघार करेंगे। ये अब हम बघार करने लगे हैं। हमने ये जो सालन निकालने वाला या सालन पकाने वाला जो चम्मच है ये एक ले लिया था, घी या ऑयल आप ले लें, और उसमें ये हमने 3, अगर बड़े लहसुन है तो 3 ले लीजिए। जब इसको चॉप करके डाल दिया, ब्राउन करना है हमें, और अगर आपने छोटे लेने हैं तो 6-7 ले लीजिए बघार के लिए। और ये वाली गोल लाल मिर्च ये भी आप डाल दें इसमें 6-7। अब इसको हमें थोड़ा सा लहसुन में डार्क कलर आने देंगे, साथ ही साथ जो है वो ये भी फ्राई हो जाएंगे, तो हम इसका दाल के ऊपर बघार कर देंगे। बस इतना काफ़ी, अब हम चूल्हा जो है वो बंद करने लगे। जी व्यूअर्स, ये जो है दाल हमने डिश आउट कर ली है। अब आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, या जो वाइट वाले तंदूरी नान होते हैं ना उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।